आफताब को कोर्ट आज जुडिशियल कस्टडी से जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस के सामने सबूतों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बिना सबूत के ये केस हल्का हो जाता है और जिसका सीधा फायदा आफताब को मिल सकता है। चौदह दिन की पुलिस रिमांड, तीन किश्तों में जांच पड़ताल, 18 घंटों की पॉलीग्राफी, 5 राज्यों तक जांच के तार और 35 टुकड़ों की सबसे बड़ी तलाश। श्रद्धा मर्डर केस में तमाम तफ्तीश के बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ इतने सबूत नहीं लग पाए जिनकी बुनियाद पर वो केस को अंजाम तक पहुंचाने की तसल्ली कर सके। दिल्ली पुलिस की पड़ताल का पूरा दारोमदार उन हड्डियों की फॉरेंसिक जांच के नतीजों पर निर्भर है जो महरौली के जंगलों से मिली। जानकारों की माने तो पुरानी से पुरानी हड्डियों की भी एटॉप्सी यानी पोस्टमार्टम मुमकिन है, बस हर गुजरते वक्त और तारीख के साथ पोस्टमार्टम के नतीजों का दायरा सीमित होता जाता है। खासकर वैसी हड्डियां या शव के हिस्से जिनके सॉफ्ट टिश्यूज खत्म हो चुके हों, उनके बारे में सटीक नतीजे पता करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन पोस्टमार्टम फिर भी मुमकिन है। मौत के 15 से 20 दिनों के दरमियान बरामद किसी लाश को देखकर उसकी मौत की तारीख के बारे में पता करना तो मुमकिन होता है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता करने के लिए केस हिस्ट्री की भी दरकार होती है, जो आमतौर पर पुलिस ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मुहैया कराती है, क्योंकि 15-20 दिनों में खुली जगह पर लाश पड़ी होने से कुछ फौना उस पर पनपने लगते हैं। मम्मीफिकेशन या एडिफॉसी की शुरुआत हो जाती है। ये किसी भी लाश में होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो मौसम और वातावरण पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर लाश पुरानी हो तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफताब के बाथरूम से कुछ खून के छींटे मिले हैं, इसके अलावा कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलावा जगह जगह पर जो छानबीन की है उससे दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ है। अब बात श्रद्धा के लाश के टुकड़ों की। पुलिस ने इन लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले किया है, जहां डीएनए जांच के साथ साथ इन टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी होना है, और इस पोस्टमार्टम के जरिए डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि ये लाश के टुकड़े इंसानी है या नहीं। अगर इंसानी है तो मरने वाले की उम्र कितनी है, उसका लिंग क्या है, और सबसे अहम कि उसकी पहचान क्या है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इतनी बातें तो अपनी जांच से खुद ही बता सकते हैं, लेकिन चूंकि श्रद्धा के कत्ल का मामला पुराना है, उसकी मौत की तारीख या वक्त बताने के लिए एक्सपर्ट्स पुलिस की हिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, और इस मामले में पुलिस की जुटाई गई हिस्ट्री ये बताती है कि ये कत्ल मई महीने के आसपास हुआ है। ऐसे में फॉरेंसिक के जानकार ये बताएंगे कि क्या वाकई हड्डी के टुकड़े ये इशारा करते हैं कि ये 6 से 7 महीने पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस केस की जांच इस पोस्टमार्टम और इसके नतीजे पर काफी हद तक निर्भर करती है। ये केस काफी हद तक फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंसेस पे टिका हुआ है। दिल्ली पुलिस को इन दोनों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फॉरेंसिक जांच की अगर हम बात करें तो जिन हड्डियों को पुलिस ने बरामद किया है, अभी ये ही तय होना बाकी है कि वो इंसान का है या जानवर के हैं। एक बार जब ये तय हो जाएगा तो फिर ये पता लगाई जाएगी कि ये मेल की है या फीमेल की है, और उसके बाद उसकी एज तय की जाएगी, और एज तय करने के बाद ये पता लगाया जाएगा डीएनए के जरिए कि ये श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं। यानी इस मामले में पुलिस को अभी इंतजार करने की जरूरत है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।